नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष राय, आप देखें द क्वेश्चन आर भारत। आज हम बात करेंगे सीक्वेंस में और कुछ चीज़ों को और रिलेट करेंगे, कुछ तरीके से आपकी यादों को ताज़ा करेंगे, जख्मों पे मरहम नहीं लगाएंगे। आज आपके जख्मों पे लाल हरी जिस तरीके की मिर्च होती है ना, उसका पाउडर पीस पीस के आपके ऊपर छिड़का जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो तैयार रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और इस वीडियो को मैं चाहता हूँ कि शेयर करिए, उन लोगों तक पहुँचाइए जो ये सोचते हैं कि क्या हुआ कश्मीर में कुछ लाख हिंदू पंडितों को निकाली तो दिया गया, क्या हुआ कि पाकिस्तान एक मतलब पाकिस्तान बन गया, देश का इतना बड़ा हिस्सा हमसे अलग हो गया, क्या हुआ कि बांग्लादेश बन गया, क्या हुआ कि अफगानिस्तान अलग हो गया, क्या हुआ कि बंगाल में ये हालत है, क्या हुआ कि दिल्ली में ही तो कोई रिंकू शर्मा मर गया, तो उसका यूपी वाले से क्या मतलब है। गुजरात से क्या मतलब है, एक मराठी से क्या मतलब है, उस तक शेयर करिए जिसको ये लगता है कि एक आम घटना है। और हर बार की तरह एक लिस्ट है हमारे पास, जैसे इतने नाम आए और चले गए, जैसे किसी जिहादी ने कमलेश तिवारी की हत्या कर दी, जैसे किसी जिहादी ने रिंकू शर्मा को मार दिया, उसी तरीके से भविष्य में भी कोई ऐसी मृत्यु होंगी, जय श्री राम बोलने पर हो रही है, और मतलब ये जो नैरेटिव चल रहा है उसी तरीके से चीज़ें होती रहेंगी। जय श्री राम का कॉन्ट्रोवर्शियल नारा डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जय श्री राम को एज अ कंपैरिजन अल्लाह अकबर की तरह रख दिया जाएगा, कि जैसे अल्लाह अकबर एक कॉन्ट्रोवर्शियल नारा है, जय श्री राम भी एक कॉन्ट्रोवर्शियल नारा बन जाएगा और उसके ऊपर विवाद हो जाएगा। और हमारे देश के कुछ पाखंडी चीफ मिनिस्टर, हमारे देश के कुछ पाखंडी एक्टिविस्ट, हमारे देश के कुछ पाखंडी मीडिया वाले, जब हिंदू मरता है तो वो एक नॉर्मल मृत्यु है, चाहे जिस एजेंडे से उसको मारा गया। लेकिन अगर एक मुसलमान मरता है उसकी खुद की गलती पे भी, चाहे जो रीज़न हो, डेथ को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता किसी भी रीज़न से, लेकिन अगर होता है तो वो पूरी माइनॉरिटी को ख़तरे में डाल देता है वो इंसिडेंट, वो पूरे भारत समाज को एक लिंच स्थान बना देता है, वो पूरे हिंदू समाज को कट्टर हिंदू और यू नो टेररिस्ट बना देता है, वो पूरे हिंदू समाज को असहिष्णु बना देता है, और सारे लोग अपनी अवार्ड वापसी करने लग जाते हैं, देश को बदनाम करने लग जाते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि ये मुद्दा क्या था। कई स्टोरीज चल रही हैं, जो मुझे पता वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कहा यह जा रहा है कि कुछ समय पहले, 3-4 महीने पहले, चंदा मांगते वक्त या राम मंदिर के डिसीजन के बाद और उसकी खुशी में, बजरंग दल वाले जब इधर उधर रोम कर रहे थे, चंदा मांग रहे थे, इस व्यक्ति रिंकू शर्मा की बहस हुई इन 4-5 मुसलमानों से जिन लोगों ने हत्या की है। वो लोग कह रहे थे बहुत उछल रहे हो और वगैरह वगैरह, समझते हैं जैसे आग लगती लोगों को तो लोग लड़ते हैं, धमकी उमकी दी होगी एक दूसरे को लोगों ने। फिर वो बात गई और फिर से जब ये इंसिडेंट ताजा हुआ कि फिर से किसी बात पे इनका एक फिर से झड़प हुई, फिर से डोनेशन मांगते वक्त ऐसा कुछ इंसिडेंट क्रिएट हुआ, तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हमें जिहाद करना है। सबको पता जिहाद क्या है, अल्लाह के कॉज में किलिंग इज जिहाद, कुरान कहता मैं नहीं। तो 3-4 लोग आए और आपने सबने वीडियो देखी कि उसको घर में घुस के खींचना पकड़ना, उसने सिलेंडर उठा लिया था, उसकी माँ ने रोका कि नहीं मत मारो, उसकी माँ ने जो उन्होंने सबसे बड़ी गलती की कि नहीं मत मारो, तो इस महिला ने भी अपने बेटे को अलाउ किया होता और घर के जितने मर्द होते पुरुष होते उनको कहा होता कि मिलके लड़ो, लेकिन उन्होंने अपने उस बेटे को रोकना जरूरी समझा, जिस वजह से जब वो कमज़ोर पड़ा उसको खींच के ले गए बाहर। उस लड़के में इतना पौरुष था कि उसने डंडे से एक का सर भी फोड़ दिया था शायद, ऐसा कहा जा रहा है। वो चाहता तो और लड़ लेता, वो लोग रुक गए थे, वो लोग धीमे हो गए थे, नहीं मार पा रहे थे, वो लड़ लेता, इतनी ताकत थी, वो सिलेंडर अगर वो फेंक देता किसी के ऊपर तो बहुत जख्मी हो जाते, वो लोग नहीं कुछ कर पाते, शायद वो इंसिडेंट वहाँ रुक जाता, ज़्यादा ज़्यादा पुलिस रिंकू को पकड़ के ले जाती, ये छोटी मोटी बात दर्ज होती, मामला दूसरी तरीके से उछलता, लेकिन वो जिंदा होता। लेकिन उसकी माँ ने रोका, उसको पकड़ के बाहर ले गए, पीछे से किसी ने चक्कू मार दिया, ब्लड लॉस हुआ, हॉस्पिटल ले गए, वहाँ भी ये लोग गए एक अटेम्प्ट और करने कि देखें जिंदा तो नहीं बचा, फिर वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई। ये रहा वो चक्कू जिससे उसकी हत्या हुई है। आपने उसकी शरीर की लगभग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही उसकी फोटोज़,
उसकी बॉडी की फोटो देखी होगी जिसमें शरीर में छोटा सा, मैं अभी दिखा देता हूँ, पॉलिसीज के चक्कर में ज़्यादा नहीं दिखा सकता। अब पुलिस का कहना है कि किसी बर्थडे पार्टी में लोगों के बीच झड़प हुई और फिर इस क्राइम को अंजाम दिया गया। परिवार के जनों का कहना है, आसपास के लोगों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं था, पुलिस झूठ बोल रही है। और जिन लोगों ने मारा, कैसे मजहबी है, लोग कहेंगे कि हर बात को मजहब में, कुछ गधे मेरे कमेंट बॉक्स में ये भी कह के जाएंगे, भाई नफरत मत फैलाओ, हेट मत फैलाओ, ये ऐसी लाइन है, ये ऐसा चूरन चटाते हैं हम लोगों को। मैं बताऊंगा आपको डेफिनेशन बताऊंगा कि नफरत फैलाने का मतलब क्या होता है, उसका मतलब जान के जाना, नफरत फैलाने का मतलब क्या होता है, कैसे नफरत फैलती है, कैसे नफरत मन में पैदा हो जाती है। सुनिए इस व्यक्ति ने क्या कहा। देखिए, मेरा नाम राजपाल है, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। दिल्ली पुलिस का जो भी आपसे जो बयान दिया गया ना, ये 100% असत्य है। ये मामला 5 अगस्त से शुरू हुआ है, जब राम मंदिर की भूमि पूजन का कार्यक्रम था, उसके पश्चात जो हमने जुलूस निकाला 26 जनवरी को, जब हमने 26 जनवरी को जब हमने दोबारा इस विषय पे जुलूस निकाला है, तो भी रहा है। जहाँ तक परिवार की बात है, झगड़े की बात है, यही लड़का है जिस इस पीड़ित परिवार का जो लड़का जो जिसकी डेथ हुई है, सामने वाले को उसके पिताजी को कोरोना काल में हॉस्पिटल में भर्ती कराने वाला यही रिंकू सिंह है, उसके परिवार को 2 ब्लड यूनिट स्वयं देने वाला यही लड़का है। मुझे समझ में नहीं आता पुलिस वाले ऐसी मनगढ़ंत कहानियां क्यों बना रहे हैं। ये मामला 100% धर्म के आधार पर है। कल वही लड़के, आज दिल्ली पुलिस ये क्यों नहीं बता रही है, जो लड़के अरेस्ट किए गए थे पुलिस स्टेशन में बैठकर उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाए हैं, पुलिस स्टेशन के अंदर बैठ के पुलिस वालों के सामने लगाए हैं। तो जिन लोगों ने मारा, जो लोग अरेस्ट हुए 4 लोग शुरुआत में, वो लोग जब पुलिस स्टेशन में थे तो उन्होंने नारे लगाए अल्लाह अकबर के। आप खुद सुने न्यूज चैनल पे, एबीपी न्यूज पे व्यक्ति ने रिपोर्ट किया, मीडिया प्लेटफॉर्म ने नहीं बोला किसी, वो तो बिकाऊ मीडिया, वो तो बोलेगी, व्यक्ति ने बोला। तो एक तरफ आप सुन रहे हैं कि पुलिस ने क्या बोला, दूसरी तरफ आप सुन रहे हैं कि व्यक्ति ने क्या बोला। पार्टी कह रहे हैं कि जहाँ हुई थी मैनेजर बोल रहा, वहाँ पार्टी नहीं हुई थी, तो हम किस बात को सच माने। अब मैं कुछ बेवकूफ़ गधों को जो यहाँ तक देख चुके हैं और वो लिखने वाले हैं कि भाई नफरत मत फैलाओ, या लिख चुके होंगे शायद जल्दीबाजी में, उनका काम ही होता है वीडियो देखी, कुछ ऐसा हो रहा है लिख दो, जहाँ एक्सपोज हो रहा है मुसलमानों की इस विचारधारा को एक्सपोज कर रहे हो लिख दो, ये लाइन लिखने के लिए रेडी रहते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, भाई नफरत फैला रहे हो, नफरत मत फैलाओ। बताता हूँ नफरत कैसे फैलती है। जब मैं ये न्यूज़ देख रहा था तब मेरे मन में क्या विचार आया, आप लोगों को ये बात भी बताई गई होगी कि रिंकू शर्मा ने उसी परिवार की एक महिला को अपना खून भी डोनेट किया था। तो फिर क्या हुआ कि इन मवेशियों के, इन मांसाहारियों के मुंह में खून लग गया, तो उन्होंने सोचा कि खून और बहाते हैं, ठीक है पूरा ब्लड बैंक ही ले लेते हैं, वो आए मार दिया। अब अगर आपको ये पता चले कि किसी ने किसी के परिवार की जान बचाने के लिए या हेल्थ इश्यूज के लिए सपोर्ट किया, हॉस्पिटलाइज किया, खून दिया, आप उसी व्यक्ति को जाके मार देते हैं ब्रूटली अपने मजहबी इश्यूज के चक्कर में। अब मंदिर मस्जिद का विवाद है, आप कोर्ट में लड़ चुके हैं, कोर्ट में हार चुके हैं, आप जान क्यों ले रहे हैं, लेकिन हाँ मजहबी विवाद की वजह से आपने उसको जाके जान ले ली। अब ये कॉन्टेक्स्ट सुन के कि किसी ने आपके परिवार के किसी व्यक्ति को अपना खून तक दे दिया और आप उसका खून बहा रहे हैं, ये सुन के आपके लिए कितना प्यार उमड़ना चाहिए मुझे बता दो, कितना प्यार उमड़ना चाहिए, कौन सा भाईचारा मैं आपके लिए शो करूं, ये मुझे बता दो, लिख के बता दो उसी उंगलियों से जिस उंगलियों से लिख रहे हो कि भाई नफरत मत फैला। जो धरती हिंदुओं की कल्चर की वजह से, हिंदुस्तान राम के कल्चर की वजह से, राम राज्य की वजह से, सनातन धर्म की वजह से जानी जाती है, जिस धरती पे इतने आक्रांता आए, अल्लाह अकबर का नारा लगा लगा के जिहाद किया, मारा, कन्वर्ट किया, बलात्कार किया, लूटा, प्रताड़ित किया, संस्कृति तबाह की, उनको अपना पूर्वज मानने वाले आज के मुसलमान, तुमसे हम कैसे प्यार करें। और आए दिन ऐसी हरकतें होती हैं, क्या ये एक नाम है, क्या रिंकू शर्मा सिर्फ एक नाम है। डॉक्टर नारंग, रामालिंगम, ध्रुव त्यागी, अंकित सक्सेना, हिना तलरेजा, अंकित शर्मा, चंदन गुप्ता, बंधु प्रकाश, ट्विंकल शर्मा, कमलेश तिवारी, प्रियंका रेड्डी, दिलबर नेगी, रंजित जाट, निकिता राजपूत, रिंकू शर्मा, ये रिसेंट वाला है और परे में थोड़ी तबीयत खराब है। ऐसे ही करके पास्ट में भी और नाम है और मुझे नहीं लगता कि ये इनका आखिरी जिहाद भी चलता रहेगा। और ये सब देखने के बाद हमें आपके सामने प्यार का प्रस्ताव रखना चाहिए और आपसे प्यार करना चाहिए और आपसे पलट पलट के प्यार की उम्मीद रखनी चाहिए। अगर
देखो होना तो ही चाहिए कि हम आपको प्यार दें, आपको प्यार लेना चाहिए और प्यार वापस देना चाहिए, क्योंकि अगर आप खून के बदले खून ले सकते हैं और खून ले सकते हैं, आपके मुंह में खून की लत लग जाए कि उस व्यक्ति ने आपको खून दिया, आपको स्वाद पसंद आ गया, आपने जाकर उसका और खून ले लिया, आपने सोचा ना कि पूरी मुर्गी को चीर देते हैं और सोने के बहुत सारे अंडे निकलेंगे, आपने वही अटेम्प्ट किया, उसने खून दिया आपने, खैर, और पालकड़ के साधुओं को तो हम भूल ही गए कैसे। आप ये लाशें देखिए, आप ये लाशें देखिए और समझिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और आज की सिचुएशन क्या है। मैं ताना जी के उस वीडियो से आपको बताना चाहता हूँ, आप सुनिएगा ध्यान से और खुद से सवाल पूछिए शीशे के सामने खड़े होकर, ये कैसे रिलेट करते हैं आप इसको, सुनिए। वैसे भी कहाँ जिंदा हो, सर झुका के तो चलते हो, दिन के उजाले में तुम्हारी माँ बहने बाहर नहीं निकल सकती, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे जानवर खींच के ले जाते हैं, ब्राह्मण पूजा नहीं कर सकते, किसान खेती नहीं कर सकते, यहाँ तक के मुर्दों को ले जाते वक्त तुम लोग खुल के श्री राम नहीं बोल सकते और कहते हो जिंदा हो, और कितनी मौतें मरोगे। आशुतोष जी क्या कहते हैं कि जेएनयू सो आतंकवादी कैंपस में आए, मारपीट की, गायब हो गए। जेएनयू में जो हुआ उसमें 100 आतंकवादी आए थे, दिल्ली पुलिस किसी को नहीं पकड़ पाई, शान से खुद को क्लीन चिट दे दिया, शानदार दिल्ली पुलिस, गर्व है आप पर। ठीक, दिल्ली के रखवाले अरविंद केजरीवाल चुप हैं। रिंकू के एंगल में क्या कहते हैं कि दिल्ली पुलिस ने कहा कि रिंकू की हत्या में सांप्रदायिक एंगल नहीं, जांच जारी। यहाँ ये दिल्ली पुलिस के समर्थन में है, यहाँ ये दिल्ली पुलिस के खिलाफ में है, यहाँ ये अरविंद केजरीवाल से नहीं मांगेंगे, उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मांगेंगे, उनकी चुप्पी पे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे उनको जवाबदेही जाननी बहुत जरूरी है। अपीजमेंट की पॉलिटिक्स का जो स्तर होता है, आशुतोष जी बुरा मत मानिएगा, आपने जब उस दिन रोया था और वो जो वीडियो आपकी वायरल हुई थी, मन हो रहा है मेरा कि एक तमाचा खींच के लगा दो। ये बॉडी देख रहे होंगे आप, ये भी महिला एक लव जिहाद का शिकार हुई थी, न्यूज़ का हिस्सा था। अब देखिए कि हम किस तरीके के कल्चर से डील कर रहे हैं इस मामले में। अभी तो उस्मानी वाले पे एक अलग वीडियो बनेगी, मेरी तबीयत खराब थी 2-3 दिन से, इसलिए मैं कुछ कर नहीं रहा था। प्रेग्नेंट केरला वुमेन स्लिट्स 6-year-old सन्स थ्रोट, सेज शी सैक्रिफाइज्ड हिम फॉर अल्लाह। एक माँ ऐसा कर सकती है तो समझिए इस कल्चर ने किसको क्या बना के रख दिया है। इस अरबी कल्चर ने, हम हर मुसलमान को दोषी नहीं ठहरा सकते, मुसलमान सही है, मुसलमान जहां से प्रेरणा ले रहा है जिहाद की, वो सोर्स गलत है और वो सब जानते हैं वो सोर्स क्या है, बस मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप इस कल्चर से डील कर रहे हैं जहां एक माँ अपने बेटे का गला भी काट सकती है, माँ उस बच्चे का गला काट सकती है जो मात्र 6 साल का है। अभी आपको फ्लाइट वाली वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जब ये फ्रांस वाली किलिंग हुई थी, उसके बाद एक वीडियो जहाँ पे अल्लाह अकबर कह के फ्लाइट में पुलिस वालों पर अटैक, पुलिस वालों में चेकिंग कर रहे हैं, अल्लाह अकबर कह के अटैक कर दिया। ऐसी कई वीडियोस हैं, अब चलिए ये भी देख लेते हैं। मुनव्वर राणा साहब किस बात के लिए, ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर हमारे नबी के साथ क्या होगा तो हम जान दे भी देंगे, ले भी लेंगे वगैरह वगैरह। सुनिए, आप सुनिए। अगर अभी कोई शख्स मेरे बाप का कार्टून ऐसा बना दे कोई गंदा, मेरी माँ का कार्टून कोई ऐसा गंदा बना दे, तो हम तो उसको मार देंगे। आप समर्थन कर रहे हैं जो पूरी घटना, हम मार देंगे। मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ कि हर फील्ड में ऐसे लोग, तरह तरह के लोग एक ही मानसिकता के साथ क्लियर हैं, स्थापित हैं। आपको देखना है, आपको पहचानना है और इन्हें रिप्लेस करना है अपने लोगों से। अपने लोगों का मतलब है कि कोई जिहादी कहीं कुछ गलत इंटेंशन से एक पोजीशन में बैठा है, आप अपना व्यक्ति तैयार करिए, उसको सपोर्ट करके उस जगह पर पहुंचाइए और शुद्ध करिए उस स्थान को। फॉर एग्जाम्पल, मुनव्वर राणा साहब एक शायर है, हमारे देश में कवियों की क्या कमी है, और उर्दू भाषा इस्लाम से तो नहीं आई है, क्या शायरों की कमी है? अच्छे लोगों को आप सपोर्ट करके क्यों नहीं पहुंचा दे, इनकी मेंटालिटी अच्छी, जो ये नहीं कहते बात बात पे कि हम गला काट देंगे, उनको सपोर्ट करिए। ये पढ़िए क्या लिखा है इसमें, अपीजमेंट पॉलिटिक्स एट इट्स बेस्ट, केरला
कांग्रेस एमएलए, केरला का कांग्रेस एमएलए अपोलोजाइजेस टू मुस्लिम फॉर डोनेटिंग मनी टू राम मंदिर। डीआई क्यों? अपीजमेंट का स्तर देखिए, स्तर। आप उनसे माफी क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि वो आपका वोट बैंक है, क्योंकि आपके लिए आपकी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, करते रहिए, देखते रहिए, ये लोग आपके घर में घुस जाएंगे, अपीजमेंट करते रहिए। उस वक्त भी अगर आपके घर में घुस जाएंगे चक्कू लेके ना, उस वक्त भी आपकी मेंटालिटी ऐसी ही रहेगी कि अगर आप सोचेंगे कि अगर मैंने गलती से एक मुसलमान को अपने सेल्फ डिफेंस में कि अपनी जान बचा सकूं, आपने मार भी दिया, तो आपकी कुर्सी खतरे में ना पड़ जाए, आपकी अपीजमेंट वाली पॉलिटिक्स का चेहरा खतरे में ना पड़ जाए, आप अपनी जान कुर्बान कर देंगे कि हमारी पार्टी बच जाए। ऐसा ना हो कि कांग्रेस एमएलए ने अपनी जान बचाते हुए एक मुसलमान को गलती से मार दिया और खुद बच गया, तो पार्टी की छवि तो खराब हो जाएगी, एंटी मुस्लिम पार्टी हो जाएगी, है ना। आप अच्छा किया आपने माफी मांग ली, आप वो अपना पैसा भी ले लीजिए, आप जैसे भंगी भिखारियों की जरूरत नहीं है। चलिए, हाँ, एक प्यारी चीज, मुस्लिम मैन मैरिज ओन डॉटर इन प्रेग्नेंट सर, अफजुद्दीन क्लेम सैंक्शन फ्रॉम अल्लाह, वाइफ टर्न्स विटनेस इन निकाह। ये आपका कल्चर है, ये आपको गाइडेंस दी जाती है। जैसे प्यूबर्टी की एज होगी, बच्ची से शादी कर लो, चाहे बच्ची का रिश्ता आपके साथ जो हो शादी कर लो, और अब उसके साथ क्या करना है यह आप अच्छे से जानते हैं। और ममता दीदी की बात हम बंगाल पे एक अलग वीडियो बनाने वाले हैं तुरंत, बहुत इंटरेस्टिंग होगी, उसको जरूर देखिएगा, उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए, केजरीवाल साहब ने अभी तक क्यों चुप्पी शादी हुई है उसका एक सबूत देख लेते हैं, एक देख लीजिए। अपील करना चाहता हूं, अब हम चुप नहीं रह सकते। उन लोगों ने जो मुसलमानों को मारा, हम चुप बैठे रहे। उन लोगों ने जो दलितों को जलाया, दलितों को पीटा, हम चुप बैठे रहे। तो ऐसे पॉलिटिशियंस को आपने दिल्ली में बैठा के रखा है। वाह रेफरी की जनता, ऐसे दिल्ली में, सुना है मैंने कि दिल्ली में बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं, मुझे तो लग रहा है दिल्ली में भिखारी रहते हैं जो चंद पैसों के लिए बिक गया। आखिरी में इस चीज का खत्म करना चाहता हूं कुछ बातों के साथ, कि इस अपीजमेंट की पॉलिटिक्स ने, इस एंटी नेशनल थॉट प्रोसेस ने, सचिन तेंदुलकर जिसने भारत के लिए स्टैंड लिया और सिर्फ इतना ही कहा, इंडिया की सॉवरेनिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, इंडिया सॉवरेनिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, एक्सटर्नल फोर्सेस कैन बी स्पेक्टेटर्स बट नॉट पार्टिसिपेंट, मुख्य दर्शक हो सकते हैं, हिस्सेदार नहीं हो सकते। इंडिया, इंडियंस नो इंडिया एंड शुड डिसाइड फॉर इंडिया, लेट्स रिमेन यूनाइटेड एज अ नेशन। उसने क्या हिंदू मुस्लिम की बात की, उसने क्या भाजपा कांग्रेस की बात की, उसने क्या लेफ्ट राइट की बात की, उसने भारत की बात की। और कांग्रेस यूथ विंग ने क्या किया, उसके मुंह पे काली छिड़की उसकी फोटो के ऊपर, ये बना के रख दिया। जो व्यक्ति कुछ समय तक क्रिकेट का गॉड माना जाता है भारत में, तो भारत के बाहर भी एक अच्छी छवि है, उसको आपने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जलील करने की कोशिश की। आपको सबको पता है कि मीडिया में कुछ भी आता है तो ग्लोबली एक्सेस किया जा सकता है, कोई कुछ बातें छुपी नहीं रहती, लेकिन आपने होने दिया। क्या सचिन के फैन मर चुके थे कि उन्होंने इसके प्रोटेस्ट में कुछ नहीं किया, कि सचिन की बेइज्जती कैसे कर दी, सोचने वाली बात। खैर, इस वीडियो में इतना है, इस वीडियो में हमने कुछ चीज़ें अच्छे से समझने की कोशिश की कि हम किससे लड़ रहे हैं, जिसका कल्चर ये कहता हो कि 6 साल के बच्चे को अपनी एक माँ गला काट के अल्लाह के हवाले कर सकती है, आप उससे लड़ रहे हैं। जो कल्चर अपने ही संतान को, अपनी बेटी को शादी, अरे मार दिया तो शादी कौन सी बड़ी बात है, मतलब बाप बेटी का रिश्ता इतना होता है कि मतलब वही दोनों समझ सकते हैं कितना क्लोज होता है और कितना एक दूसरे के लिए जान छिड़कते हैं, लेकिन नहीं, आप शादी भी कर लेंगे, उसको प्रेग्नेंट भी कर लेंगे, वगैरह वगैरह। एक कल्चर ये कहता है कि हमारे नबी किसान में गुस्ताखी करोगे, उनको इंसल्ट करने की कोशिश करोगे तो सीधा सर तन से जुदा। ठीक, तो ये कहने वाले लोग ग्राउंड पे बैठा हुआ पंचर जोड़ने वाला भी है और ऊपर का एक शायर भी है और ऊपर जाओगे तो एक्स प्रेसिडेंट भी है, जिसको ये तो प्रॉब्लम है कि हमारी मस्जिद बाबरी मस्जिद अगर नहीं रही, उसके ऊपर राम मंदिर बन रहा है, तो उससे उसको बहुत दुख है, उस बात के लिए वो हत्याएं भी कर रहा है, लेकिन वही समाज, उसी समाज के लोग मूर्तियों को तोड़ना, रिसेंट में जो आंध्रा में हुआ गला काट देना, भगवान राम की 400 साल पुरानी मंदिर की मूर्ति का गला काट देना, मतलब ये सब चीज़ें अगर हो रही हैं, हमारे देवी देवताओं को हर्ट किया जा रहा है, तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम शांत रहें, कुछ रिएक्शन ना करें।
मतलब ये अपने आप को इतना सुपीरियर मान के चलते हैं कि जिस हद तक, क्योंकि जो हमारी आदत है रूल करने की, जो हम करते आए, जो सत्ता हमसे छीन ली मिलते सरते हमें वापस नहीं दी, उस बात का दुख आज तक है, वो चीज़ें नजर आती इनके एक्शन में कि हम करें वो रिएक्ट ना करें, हम करते रहें। लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने हमें इस हद तक पुश कर दिया है कि पीछे सिर्फ दीवार रह गई है, उससे ज़्यादा हम पुश हो ही नहीं सकते। अब उस हद तक हमें खड़ा कर दिया है कि अब याद तो हमारी जान जाएगी, या हम बदले में सेल्फ डिफेंस में जो चाहे वो करें। बस मैं ये कह रहा हूँ कि आप हमेशा अपने सेल्फ डिफेंस में तैयार रहिए। रिंकू शर्मा की माँ की तरह मत बनिए जिसने हाथ पकड़ लिया, अगर वो हाथ ना पकड़ती बेटा जिंदा होता, चाहे जेल में होता, कुछ दिन बाद बाहर आ जाता, लेकिन जिंदा होता। उसने लड़ा, उसके लिए हमें उस पर गर्व होना चाहिए, और किसी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए एक ही सुझाव है, आपने जो सेल्फ डिफेंस और या फिर जो अटैक करने की जो क्षमता, जो स्किल, जो ये सब जो शौर्य गौरव, ये सब जो खो दिया है ना, उसको पैदा करिए, प्रैक्टिस करिए, लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहिए। मैं या कोई आपको कभी ये सजेस्ट नहीं करता कि रोड पे निकलिए, इनकी तरह मारकाट करिए, नहीं। लेकिन आप कम से कम तब तो कुछ करिए जब आपके सामने मुसीबत खड़ी हो, 2 फीट की दूरी पे हो, वो आपको मारने आया है, आप सामने खड़े हैं, तो क्या आप खड़े रहेंगे कि आए हो तो अपना काम करके जाओ? आप लड़ेंगे तो, लेकिन अगर लड़ने की जो होते ना, कहते हैं कि मसल मेमोरी नाम की एक चीज़ होती है, उन्होंने बचपन से ही बकरे काट काट के, मुर्गियां काट काट के, इंसानों को काट काट के ये चीज़ डेवलप कर ली कि काटना और कत्ल करना बहुत आसान चीज़ होती है। उनकी मसल मेमोरी से लेकर हर तरह की मेमोरी डेवलप हो चुकी है, हमने वो सब नहीं किया है, तो हमें लगता है कि ये हमसे हो भी नहीं पाएगा, इसलिए हम सोचते हैं कि नहीं, कोई कह रहा तो उकसा रहा है, गलत काम है, नहीं करना चाहिए। लेकिन लड़ने के लिए मेमोरी डेवलप करिए, मसल मेमोरी का मेरा यही मतलब था। अगर कोई अटैक करता तो आपकी बॉडी आपको खुद बचाती है, हाथ से रोकेगी, पैर से मारेगी, कुछ ना कुछ करेगी, रिफ्लेक्सेस होते हैं, उस चीज़ को डेवलप करिए। मैं आपको यहाँ पे उनकी तरह आतंकवादी या जिहादी बनने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन खुद को बचाने जितना तो स्किल सेट पालिए अपने अंदर, बस मैं इतना कह रहा हूँ। मुझसे सहमति रखते हो तो इस वीडियो को शेयर करिए, वरना ये अब फिर से कह रहा हूँ, ये ना पहला रिंकू शर्मा था ना आखिरी होगा, भविष्य में और अटेम्प्ट्स किए जाएंगे। अब आपको देखना है कि आपको तैयार रहना है इस बात के लिए, या समर्पित कर देना अपने आप को। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत बुला रहा है, रक्त रक्त को आवाज दे रहा है, उठो, हमारे पास अब गंवाने के लिए समय नहीं है।